अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स आई एम प्रोफेसर मोइनुल हसन एंड आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू सेल्फ असेसमेंट टेस्ट इंग्लिश पोर्शन 2023 आइए इस टेस्ट को डिस्कस करते हैं जी डियर स्टूडेंट्स आई होप कि आपका सेल्फ असेसमेंट टेस्ट अच्छा हुआ है उसका इंग्लिश का पोर्शन हम डिस्कस कर रहे हैं प्री इंजीनियरिंग का तो देखिए जो पहला क्वेश्चन है वो है इफ़ यू डोंट ये सेंटेंस कंप्लीशन का क्वेश्चन है इफ़ यू डोंट डैश योर साइंटिफिक थेरीज विद फैक्ट्स द मेम्बर्स ऑफ द साइंटिफिक कम्युनिटी विल डिसएग्री डिसरिगार्ड ऑल योर आइडियाज मेंबर्स ऑफ साइंटिफिक कम्युनिटी वो लॉजिकल चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं इस पूरे सेंटेंस में जो सेंटेंस कंप्लीशन का क्वेश्चन है सेंटेंस कंप्लीशन के क्वेश्चन के बारे में आप अपने टीचर्स से ये बात सुन चुके हैं कि पूरे सेंटेंस में कोई ना कोई की वर्ड होता है तो यहाँ पे भी हम देखेंगे कि ये जो क्वेश्चन है इसमें जो की वर्ड है हमारे पास वो इफ़ यू डोंट डैश योर साइंटिफिक थेरीज विद फैक्ट्स तो एक तो फैक्ट्स इसमें की वर्ड है और उसके अलावा द मेंबर्स ऑफ द साइंटिफिक कम्युनिटी तो साइंटिफिक कम्युनिटी भी इसमें की वर्ड है साइंटिफिक कम्युनिटी क्योंकि साइंटिफिक कम्युनिटी के बारे में सपोज यही किया जाता है कि वो लॉजिकल और करोबरेटिंग किस्म की चीज़ों को ही पसंद करते हैं और उन्हीं को आ, अप्रूव करते हैं तो फिर पीछे जो ब्लैंक है उसमें हमें ये बात समझ आ रही है कि साइंटिफिक थेरीज़ को अगर आपने डैश करना है तो साइंटिफिक कम्युनिटी के लोग उसको अप्रूव नहीं करेंगे इफ़ यू डोंट तो अगर आप क्या नहीं करते विलिफाई विलिफाई तो अगर करेंगे विलिफाई अगर करेंगे ये नेगेटिव वर्ड है तो अगर विलिफाई करेंगे तो फिर तो साइंटिफिक कम्युनिटी के लोग उसको अप्रूव नहीं करेंगे कॉन्ट्रोवर्ट अब देखिए कॉन्ट्रोवर्ट का कोई रिलेशन कॉन्टेक्स्ट में ही नहीं बन रहा कॉन्ट्रोवर्ड का वर्ड तो ज़्यादा यूज़ नहीं होता कॉन्ट्रोवर्सी का वर्ड यूज़ होता है तो कॉन्ट्रोवर्सी भी एक नेगेटिव वर्ड ही है तो यहाँ पे हमें बाहर हाल एक पॉजिटिव वर्ड चाहिए तो एक चीज़ जो आप लोगों ने धन में रखनी है वो है पॉजिटिव कॉनोटेशन तो यहाँ पे पॉजिटिव कॉनोटेशन रिक्वायर्ड है कॉनोटेशन रिक्वायर्ड है तो पॉजिटिव कॉनोटेशन का जो वर्ड है वो सिर्फ एक है इसमें और वो है सब्सटेंशिएट एक चीज़ आप ये देखें कि जो चार्ली ऑप्शन है उसमें डिस्क का वर्ड मौजूद है डिस्क का प्रिफिक्स मौजूद है और डिस एक नेगेटिव प्रिफिक्स है तो इस वजह से वो भी आउट हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एनालॉजी uh, का क्वेश्चन है और एनालॉजी के क्वेश्चन में दो वर्ड्स मौजूद हैं और उन वर्ड्स को आपने देखना है कि उनके दरमियान में किस टाइप का रिलेशन है तो वर्ड्स कंक्लूजन और एसे हैं। अब कंक्लूजन और एसे का आपस में रिलेशन क्या है देखिए एसे की एक बॉडी होती है और उसमें एक बिगिनिंग मिडल उसका मेन जो कंटेंट है और फिर एंड में उसका एक कंक्लूजन बयान होता है तो वो भी उसी का पार्ट होता है तो हम कह सकते हैं कि कंक्लूजन इज़ ए पार्ट ऑफ़ एन एस ए ये कंक्लूजन इज़ एन एंडिंग पार्ट ऑफ एन एस ए अब देखिए हमारे पास थीम और सॉन्ग का जो आपस में रिलेशन है वो थीम सॉन्ग का एज सच पार्ट नहीं है बल्कि वो तो उसकी स्पिरिट है और एक एबस्ट्रैक्ट स्पिरिट है लेकिन सॉन्ग के जो पार्ट्स होते हैं वो तो उसकी लाइन्स होती हैं इस वजह से एल्फा नहीं है और बीटा में मील एंड डिसर्ट अब जो डिसर्ट होता है वो मील के बाद खाया जाता है अगर डिसर्ट ना भी खाएं तो मील कंप्लीट होता है इसलिए डिसर्ट को हम मील का पार्ट नहीं कह सकते ये आई कैचिंग हो सकता है क्योंकि कंक्लूजन ऐसे का पार्ट होता है और एंड पे होता है और डिसर्ट मील के एंड पे होता है तो इससे कुछ स्टूडेंट uh, धोखा खा सकते हैं लेकिन आपने ये जहन में रखना है कि डिसर्ट जो है वो मील का पार्ट नहीं है एज सच और उसके बाद चार्ली को देखते हैं पेरेड और पार्टी पार्टी एक डिफरेंट uh, चीज़ है परेड एक डिफरेंट चीज है आप ये कह सकते हैं कि परेड में भी लोग इकट्ठे होते हैं पार्टी में भी लोग इकट्ठे होते हैं लेकिन एक चीज दूसरे का पार्ट नहीं है और डेल्टा ही हमारे पास बचा उसमें सीन प्ले का पार्ट होता है जिस तरह से कंक्लूजन ऐसे का पार्ट है इसी तरह से सीन प्ले का पार्ट है तो हमारे पास ये आंसर हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है और ये ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन है वाइल आई वॉज डैश ऑन हॉलीडे तो वायल आई वॉज ऑन हॉलीडे और यहाँ पर डैश है तो पहली ही ब्लैंक को अगर देखें तो ऑन हो सकता है बीटा में भी ऑन है चाली में एट है और डेल्टा में इन है हॉलीडे कोई ऐसी प्लेस नहीं है कि जिसके अंदर की आप बात करेंगे जी उसके में हॉलीडे के अंदर था हॉलीडे कोई रूम जैसी चीज़ नहीं है या बिल्डिंग जैसी चीज़ नहीं है तो इसलिए डेल्टा क्रॉस हो गया और चाली में ऐट है एट एब्स्ट्रैक्ट होता है और ऑन ज्यादा फिजिकल नेचर का वर्ड है तो इसलिए एट भी ऑन की नस्बत हम रिजेक्ट करेंगे और ऑन को चूज करेंगे अब ऑन भी दो में है अल्फा में भी है और बीटा में भी है तो अगर आगे देखें वाइल आई वॉज ऑन हॉलीडे डैश अ वेरी नाइस फैमिली अब देखिए ऑन हॉलीडे आई मेट विद आई मेट बाएं या आई मेट टू या आई मेट के बगैर आई मेट के बाद कोई भी आ, नहीं लगेगा वर्ड और उसके बाद सीधा उसका ऑब्जेक्ट लगेगा तो अब देखिए आई मेट आ वेरी नाइस फैमिली होगा यहाँ पे कोई भी वर्ड यहाँ से नहीं लगेगा कोई भी प्रपोजिशन नहीं लगेगी तो जो साइन होता है नो प्रापोजिशन का वो ये साइन होता है तो नो प्रापोजिशन का ये साइन यहाँ पे मौजूद है एल्फा में जबकि बीटा में क्या कहा गया है विद लिखा गया है तो मीट विद एक ऑफिशियल सी मीटिंग के लिए कहते हैं और प्लैंड मीटिंग के लिए कहते हैं तो जब आप हॉलीडे पे हो और इनफॉर्मल किस्म की एक्टिविटी कर रहे हो तो फिर नाइस nice फैमिली के साथ आप कोई बिजनेस मीटिंग या कोई ऑफिशियल मीटिंग तो नहीं कर रहे इस वजह से बीटा नहीं है और अगर हम लास्ट ब्लैंक भी देख लें तो वो दोनों में सेम है वो है अ नाइस फैमिली हु वर फ्रॉम इस्तांबुल ओके तो अल्फा हमारा करेक्ट आंसर हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं इन 1619 द फर्स्ट अफ्रीकन स्लेव सिंपली अराइव्ड है क्योंकि वो वंस एक्शन है और वो पास में हुआ इसलिए पास्ट इनडेफिनेट यहां पे आएगा और दूसरा हिस्सा भी देख लें इन वर्जीनिया यूएसए एंड बाय 1790 नाइनटी देयर रीच्ड अब ये जो बाय सेवनटीन है इसमें जब आप बाय के बाद कोई डेट लगाते हैं तो उसके बाद हैड वाला स्ट्रक्चर लगता है बाय दिस टाइम दिस थिंग हैड अकर्ड तो यहाँ पे बाय के जो हमारे पास एक मार्कर है उसकी वजह से हैड रीच यहाँ पे करेक्ट होगा जो कि बीटा में मौजूद है तो हमारा आंसर हुआ बीटा नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जी ये अपोजिट का यानी एंटोन का क्वेश्चन है और इस पर हमने एंटोनिम देना है वर्बोस का समटाइम्स आपको अगर किसी वर्ड का मीनिंग नहीं भी पता तो आप उसके किसी पार्ट से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसका क्या मीनिंग हो सकता है तो यहाँ पे वर्ब तक वर्ड पहचाना हुआ लग रहा है अगर वर्बोस पूरे वर्ड का मीनिंग आपको नहीं भी पता तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वर्ब कोई वर्ड से रिलेटेड या रिटन लैंग्वेज से रिलेटेड या बोलने या लिखने से रिलेटेड कोई चीज़ है तो वर्बोस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा बोलने वाला या बहुत ज़्यादा लिखने वाला बेसिकली बहुत ज़्यादा बोलने वाला यानी कि बहुत ज़्यादा लैंग्वेज को प्रोड्यूस करने वाला तो वर्बोस का एंटरनेम होगा टेसटर्न जो कि बीटा में है और टेसटर्न का मतलब होता है खामोश रहने वाला और बहुत कम बोलने वाला टेसटर्न का एक शॉर्ट फॉर्म भी इंग्लिश लैंग्वेज में बोली जाती है और वो टेसेट है तो टेसिटर्न उसकी कंप्लीट फॉर्म है टेसिटर्न यहाँ पे हमारा आंसर है जिसका मतलब खामोश चुपचाप है अब एल्फा नहीं होगा गैरुलस जिसका मतलब बहुत ज़्यादा बातूनी और झगड़ालू होता है ये वर्बोस का किसी लेवल पे थोड़ा सा रिमोट सिनोनिम तो हो सकता था लेकिन एंटोनिम नहीं हो सकता एफर्टलेस का कोई ताल्लुक नहीं है ना सिनोनिम का ना एंटोनिम का और रैंडम का भी कोई ताल्लुक नहीं है वर्बोस के साथ सिनोनिम का या एंटोनिम का रैंडम इरेगुलर वक्फे के साथ कोई चीज हो रही हो तो उसको रैंडम कहते हैं तो कोई बंदा थोड़ी बात भी इेगुलर वक्फे के साथ कर सकता है और ज्यादा भी बोल सकता है, है और ना रिलेशन है अब हम देखते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन वो सिमिलर का है सिरोनम का क्वेश्चन है तो कार्डिनल वर्ड है हमारे पास कार्डिनल में भी उसी तरह से हमारे पास कुछ ना कुछ गैस करने के लिए मौजूद है कार्ड से है तो कार्ड हार्ट को कहते हैं इसी से कार्डियोलॉजी भी होता है और भी बहुत सारे वर्ड होते हैं कार्डे कार्डियक भी होता है सी ए आर डी या सी ओ आर डी इसका मतलब हार्ट होता है तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कार्डिनल का मतलब बेसिक है यानी कि हार्ट एक जैसे बेसिक ऑर्गन है ह्यूमन बॉडी का एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है इसी तरह से इसका मतलब यहाँ पे कार्डिनल का बेसिक है अल्फा में स्टार है चार्ली में चैम्पियन है और बीटा में डिवाइन है वर्ड्स ज़्यादा मुश्किल नहीं है लेकिन जो ऑप्शन हैं वो ज़्यादा मुश्किल वर्ड नहीं है लेकिन कार्डिनल का मीनिंग हो सकता है किसी को पता ना हो तो इसका मीनिंग बेसिक है और डेल्टा करेक्ट आंसर है अब हम देखते हैं जी करेक्ट पार्ट ऑफ स्पीच हमने डिटर्मिन uh, करना है हमारे पास सेंटेंस है वी वर विदाउट इलेक्ट्रिसिटी फॉर थ्री आवर्स बट इट्स ऑन अब देखिए पहले है विदाउट इलेक्ट्रिसिटी विदाउट इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी और बट उसके बाद उसने कहा है कि बट इट्स ऑन अब बट में एक कॉन्सेप्ट चेंज हो गया और अब ये ऑन है पहले बिजली नहीं थी और अब ये मौजूद है तो अब देखिए बिजली का ना होना और फिर मौजूद होना ये एक प्रोसेस है ये एक अमल है हम इलेक्ट्रिसिटी की एज सच अगर कोई कैरेक्टरिस्टिक बयान कर रहे होते तो एडजेक्टिव होता ये ऑन क्योंकि ऑन को ही हमने डिटर्मन करना है कि ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है प्रेपोजिशन तो ये बिल्कुल नहीं हो सकता प्रेपोजिशन ये लग रहा है और ये होता भी है अपनी शक्ल में ये प्रपोजिशन है क्योंकि बहुत सारे सेंटेंसेस में ऑन प्रपोजिशन के तौर पे यूज होता है लेकिन प्रपोजिशन तो किसी नाउन से पहले आकर उसकी पोजिशन को डिटामिन करता है अगर ऑन के बाद कोई नाउन होता तो ऑन प्रपोजिशन हो सकता था यहाँ पे ये यह प्रपोजिशन नहीं है और नाउन मेरे ख़्याल में कोई भी स्टूडेंट ये नहीं सोच सकता कि ऑन नाउन होगा चाहे किसी सिचुएशन में शायद हो भी लेकिन यहाँ पे बिल्कुल नहीं लेकिन एडवर्ब ये है एडवर्ब इस वजह से है कि इलेक्ट्रिसिटी का विदाउट होना भी एक, एक एक्शन है बट इट्स ऑन और इसका ऑन होना भी एक एक्शन है और उस एक्शन को आ, उस वर्ब को ये मॉडिफाई कर रहा है ऑन एडवर्ब है यहाँ पे ये स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं अब हमारे पास रीडिंग uh, कॉम्प्रिहेंशन का एक पैसेज है और उसके बाद हम नेक्स्ट पैसेज को देखेंगे पहले ये जो पैसेज है इसको देखते हैं और इसमें एक ही क्वेश्चन है इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन को पहले यहाँ पे हम देख लेते हैं क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द ऑथर्स रीजनिंग ऑथर की रीजनिंग क्या है ऑथर्स रीजनिंग यही आपने बतानी है और ऑथर्स रीजनिंग के ही जो पूरा पैसेज है उसमें आपने सिर्फ ऑथर की रीजनिंग ही ढूंढनी है अगर इस तरह के क्वेश्चन में आप ऑप्शंस को देख लें तो आपको पैसेज में से चीज को ढूंढने में आसानी हो सकती है यहां पे डेल्टा करेक्ट आंसर है द ऑथर यूजेस एन इलस्ट्रेशन टू सपोर्ट अ न्यू स्कूल ऑफ थॉट तो इलस्ट्रेशन टू सपोर्ट एक इलस्ट्रेशन है इलस्ट्रेशन है और इलस्ट्रेशन फिजिकल भी होती है इलस्ट्रेशन एब्स्ट्रैक्ट uh, भी होती है इलस्ट्रेशन राइटिंग में भी होती है टू सपोर्ट न्यू स्कूल ऑफ थॉट तो अब ये जो न्यू स्कूल ऑफ थॉट है इसको वो सपोर्ट करने के लिए इलस्ट्रेट कर रहा है कुछ अब मैं आपको पैसेज में से बताता हूँ कि ये चीज कहाँ से हमें मिलेगी इंडस्ट्रियल एंड ऑटोमोबिल पोल्यूशन हैव लॉन्ग बिन थॉट टू कॉन्ट्रीब्यूट ओके हैंग बिन थॉट एक पहली चीज है जहां से हम पता चलेगा कि वो कोई बैकग्राउंड बना रहा है पुरानी बात करके पास की बात करके वो किसी नई चीज़ की बात करेगा टू कॉन्ट्रीब्यूट टू ग्लोबल वार्मिंग हाएवर ये जो हाएवर है बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ हाएवर ने हमें ये बता दिया कि पिछली बात के साथ कंट्रास्ट होगा नेक्स्ट वाली बात का और अभी हमें ये देखना है कि वो आ, अपना वज़न किस पलड़े में डालता है तो नेक्स्ट सेंटेंस को देखिए हाएवर रिसर्चर्स हैव आइडेंटिफाइड

उसने देरफोर लगाया है तो हमें पता चला कि वो जो देयरफोर है वो हाइवर के बाद वाले हिस्से को वेटेज दे रहा है तो इसलिए ये सारी इलास्ट्रेशन टू सपोर्ट अ न्यू स्कूल ऑफ है। पास्ट में कुछ और सोचा जाता था और बिलीव किया जाता था जो कि हाइवर से पहले है और हाइवर के बाद वाला हिस्सा जो है राइटर उसको सपोर्ट करने के लिए इलास्ट्रेट कर रहा है इस पैसेज में नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जी इस पैसेज के भी हम क्वेश्चन को देखें तो पहला क्वेश्चन है सुटेबल टाइटल फॉर दिस पैसेज कैन बी सुटेबल टाइटल है एक तो क्वेश्चन और दूसरा सुटेबल टाइटल के बाद तो दूसरा क्वेश्चन है वो है अदर्स इन द लास्ट सेंटेंस रेफर्स टू तो ये एक प्रोनाउन रेफरेंस का क्वेश्चन है तो हम लास्ट सेंटेंस में जो अदर्स है उसको भी देख लेते हैं और ओवरऑल इसका व्यू भी ले लेते हैं पहला सेंटेंस है नेशनलिज्म ऑफ कोर्स इज अ क्यूरियस फिनोमिनन जब इस तरह से बात शुरू हो तो इसका मतलब ये होता है कि या तो वो उसी के बारे में बहुत ज्यादा फोकस करेगा या उसको निगेट करेगा आगे जाके या उसके काउंटर में कोई बात करेगा ऑफ कोर्स इज अ क्यूरियस फिनोमिनन विच एट अ सर्टन स्टेज इन अ कंट्रीज हिस्ट्री गिवन लाइफ ग्रोथ एंड यूनिटी बट एट द गिवज लाइफ ग्रोथ एंड यूनिटी बट एट द सेम टाइम इट है टेंडेंसी अब देखिए यहाँ पर जो बट आया है पहले उसने एक बात की नेशनलिज्म के बारे में और उसके बाद उसने बट का वर्ड यूज़ किया तो इसका मतलब ये है कि उसने नैशनलिज़्म ही को बहुत ज़्यादा अपनी राइटिंग में यहाँ पर प्रमोट नहीं किया तो अब नेक्स्ट सेंटेंस अगर देखें वंस परस्पेक्टिव चेंजेज एंड वन इज़ कॉन्टीन्यूसली थिंकिंग ऑफ वंस ओन स्ट्रगल इसका मतलब ये है कि चीज़ें मूव होती हैं और एक इंसान हमेशा एक ही चीज़ को सपोर्ट नहीं करता रहता अब दो लाइन्स छोड़ के अगर हम देखें तो लिखा हुआ है नेशनलिज्म वैन इट बिकम सक्सेसफुल समटाइम्स गोज़ ऑन स्प्रेडिंग इन एन एग्रेसिव वे एंड बिकम्स अ डेंजर इंटरनेशनली अब यहाँ पे उसने नेशनलिज्म की एक बुराई हमें बयान की है अब अगर दो लाइन्स छोड़ के फिर अदरवाइज से देखें तो अदरवाइज समथिंग न टर्न इन टू ईवल यहाँ पे भी वो बुराई ही बयान कर रहा है दो लाइन्स छोड़कर आप देखें अपार्ट फ्रॉम द पोलिटिकल एंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑफ द एज पर ग्रेटेस्ट प्रॉब्लम टूडे बिकॉज बिहाइंड इट देयर इज ट्रमेंडस सर्च फॉर समथिंग विच इट कैन नॉट फाउंड इट कैन नॉट फाउंड से हमें पता चला कि कुछ चीजें ऐसी हैं जिनकी वो बुनियाद नहीं रख सकता हर चीज का हर मर्ज का इलाज नेशनलिज्म नहीं है तो हमें हमारा आंसर मिल गया चाली नेशनलिज्म इज नॉट इनफ हर मसले का हल नेशनलिज्म नहीं है और अगर हम इसी पॉइंट ऑफ व्यू से अब लास्ट सेंटेंस में देखें कि जो नेक्स्ट क्वेश्चन था अदर्स इन द लास्ट सेंटेंस रेफर टू लास्ट सेंटेंस में अदर्स किस चीज़ को रेफर करता है तो यहां पे उससे पिछला सेंटेंस पढ़ना जरूरी होगा क्योंकि प्रोनाउन रेफरेंस के लिए पीछे कोई नाउन ढूंढना होता है तो से पीछे वाला सेंटेंस कह रहा है दैट इज वेयर इकोनॉमिक्स कम्स इन ह्यूमन बीइंग्स टुडे आर नॉट इन मूड टू टॉलरेट सफ़रिंग एंड स्टारवेशन एंड इन इक्वालिटी वेन दे सी दैट द बर्डन इज नॉट इक्वली शेयर्ड अदर्स प्रॉफिट वाइल दे ओनली बेयर द बर्डन अब देखिए ह्यूमन बीइंग्स की बात हो रही है तो जो अदर्स होंगे वो भी ह्यूमन बीइंग्स ही होंगे कुछ ह्यूमन बीइंग्स और दूसरे ह्यूमन बीइंग्स तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अदर पीपल तो ह्यूमन बीइंग्स हैं लेकिन बीटा में अदर नेशंस पीछे नेशंस की बात शुरू में हुई थी यहाँ ह्यूमन बीइंग्स की बात हो रही है तो बीटा नहीं है और चाली में अदर कम्यूनिटीज़ इंडिविजुअल्स की बात हो रही है और ह्यूमन बींग्स की बात हो रही है एज इंडिविजुअल्स और उनको कम्यूनिटी के तौर पर यहाँ पर डील नहीं किया जा रहा और अदर नेबर्स नेबर्स की बात तो यहाँ पे नेबरहुड मुराद नहीं है तो इस वजह से ह्यूमन बीइंग्स एंड अदर ह्यूमन बीइंग्स तो अल्फ़ा करेक्ट आंसर है तो डियर स्टूडेंट्स ये थी हमारी डिस्कशन सेल्फ असेसमेंट टेस्ट के इंग्लिश के पोर्शन की 2023 की आई होप के ये आपके लिए मुफीद होगी अपना ख्याल रखिए अल्लाह हाफिज़